हेलो एवरीवन, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीका जिससे आप मूंगफली का छिलका मिनटों में निकाल लेंगे। उसके बाद आप इस मूंगफली से चटनी बना सकते हैं, चिक्की बना सकते हैं और इसे आराम से महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई मैं गर्म कर ली हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मूंगफली को भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ के जी मूंगफली मैं ले ली हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आसानी से इसका छिलका हट जाता है। तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए भून लेते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। अब 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से जब आप करेंगे तो छिलका आसानी से अलग हो जा रहा है। तो चलिए अब गैस को बंद कर लेते हैं। अब चलिए मूंगफली को हम इस तरह के सूप में ट्रांसफर कर लेते हैं। मूंगफली अभी गर्म ही है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ठंडा कर छिलका निकालें, नहीं तो इंस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ गर्म मूंगफली से ही छिलका निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्म गर्म मूंगफली को मैं एक सूप में निकाल दी हूँ। अब इस तरह से आप, या अगर आपके पास इस तरह का नहीं है सिलवट्टे वाला तो आप बेलन से भी इस तरह से क्रश कर दें, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। इस तरह से क्रश कर लें। इस तरह से क्रश करने से ये आप देख सकते हैं हाफ हाफ टुकड़ों में हो जाता है। तो अगर आप चिक्की बना रहे हैं तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब आप देख सकते हैं छिलके सारे अलग हो गए हैं। इस तरह से आप फटक ले तो आराम से सारा छिलका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में सारे मूंगफली का छिलका अलग हो गया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मूंगफली का छिलका आसानी से हटाने वाला? अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए आज मैं बताती हूँ आपको ट्रेडिशनल तरीका मूंगफली का छिलका किस तरह से निकालें। ये कुछ ही मिनटों में निकल जाता है और आप इसे किसी भी डब्बे में भरकर महीनों स्टोर कर रख सकते हैं। जब भी आपको चिक्की, चटनी कुछ भी बनाना हो तो आसानी से आप इसका बना सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए मूंगफली का छिलका निकालने का विधि स्टार्ट करें।